everybody, welcome back to my channel guys. My name is Ritu and you guys are watching Ritu's Rainbow World. So after a really long time, I am doing Get Ready With Me, and that is because I wanted to film quite a number of videos which is pending for a really long time, and I thought of filming it all together in a day. So thoda bahut delay ho gaya tha, bahut late ho gaya tha, my health was not doing good, and very soon you will get to know regarding my health in my other channel, which is Ritu's Kitchen, jiska naam change ho jayega bahut jaldi because I am coming up with something new which is not related to kitchen and cooking and all, because I will let you know why that condition came, and उस channel में जाके जरूर देखेगा कि क्यों मैं channel का नाम change कर रही हूँ, और also the content definitely with the name. तो get ready with me में चलिए video फटाफट शुरू करते हैं, and it will be a voice over because मैं फटाफट आपको कर लूँ, मतलब पूरा get ready हो जाऊँगी, and that will be very easy, and also get ready with me की videos बहुत ज़्यादा time consuming होते हैं जो कि मैं बनाती हूँ, and I wanted to cut it short, तो उसके लिए मैं फटाफट करती रहूँगी and आपको पता चलता रहेगा. I will definitely show you the product that I'm using, और अगर नहीं रहा तो ऊपर कहीं मैं definitely flash out कर दूँगी कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड मोस्टली ये पूरा वीडियो हिंदी में ही रहेगा बिकॉज बहुत लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि आप हिंदी में करो, तो आई थॉट डेफिनेटली वीडियो हिंदी में ही जाएगा, एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्टली मैंने फेस वॉश कर लिया है, माई फेस इज वेरी मच प्रेप्ड, और द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्ने एंड ऑल इज अ लिटिल, बट वो ज़्यादा नहीं है, एंड आई हैव शेयर्ड माई मॉर्निंग स्किन केयर एक लास्ट व्लॉग में, तो यू कैन डेफिनेटली गो हैड एंड चेक दैट व्लॉग इज वेल. उसमें मैंने कम्प्लीट मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, तो डू चेक दैट वीडियो. आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने एंड अदर इशूज जो कि आई हैव रिजॉल्व विद सम प्रोडक्ट्स, तो वो आपको पता चल जाएंगे उस पर्टिकुलर व्लॉग में. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. और वन मोर थिंग बिफोर आई प्रोसीड, आई विल बी ट्राइंग फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि ब्लू हेवन का ये फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर रेडियंट का, एंड देन डेफिनेटली ब्लू हेवन का प्राइमर. इट इज़ नॉट अ ब्लू हेवन वन ब्रांड, बट डेफिनेटली ये कुछ नए प्रोडक्ट्स है जो मैं ट्राई करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद मोर रील्स जिसमें मैं रिव्यू कर सकूँ जो न्यू प्रोडक्ट्स आई एम ट्राइंग, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो. बहुत ज़्यादा इंट्रो हो गया. सो द प्राइमर, so the primer right now I'm using is Blue Heaven. I am trying this for the first time, and I have already uploaded a vlog, or no, I have uploaded a complete video on the new products that I am trying from Amazon, और ये चीज़ आपको Amazon Horn में easily मिल जाएगी. तो primer oil free है and completely mattifying है, जो कि आप देख सकते हो, तो इसको बहुत properly आपको prep up करना है जहाँ पर आपके open pores, and primer is best for the open pores. तो अगर आपको open pores का issue है, जो मुझे नहीं है, बट मैं primer इसलिए use करती हूँ because it acts as a very good base for the makeup, जो makeup ज़्यादा हिलता नहीं है and it becomes stable. तो ईजीली, और प्राइमर आप जहाँ पे आई शेडो अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ आई प्राइमर, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. तो दिस इज़ समथिंग मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी, बट ब्लू हेवन का जो लूज पाउडर है उसका शॉर्ट डिटेल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. यू कैन डेफिनेटली गो हैड एंड चेक दैट आउट, और अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ गो हैड एंड हिट द लाइक. Now I am using there is another alternative for Blue Heaven का primer, which is Malio का primer, और Malio का primer जो है वो हल्का सा illumination देता है, and after that मैं use कर रही हूँ Malio का sunscreen. कोई भी makeup आप without sunscreen के use ना करें, because sunscreen ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाएंगे तो ही use करना है sunscreen, otherwise बहुत अच्छा ही use करना, और every time अगर बाहर जाना है कुछ, अगर मैं नहीं लगाती हूँ, मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, उससे काफ़ी हद तक पिगमेंटेशंस और जो डलनेस आता है स्पेसिफिकली इन विंटर, वो रिड्यूस हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए सनस्क्रीन. मेक श्योर, कुछ कुछ सनस्क्रीन्स बहुत वाइट कास्ट देते हैं, और अगर कोई सनस्क्रीन आपको वाइट कास्ट देता है तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड कर ले ताकि वो अजीब सा ना दिखे. तो मैं बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, और ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका मेकअप बहुत ओवरडू ना लगे. इसका ऑल्टरनेटिव और एक सनस्क्रीन है, विच इज़ न्यूट्रीजिना. सो राइट नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूऑन का स्ट्रोप क्रीम. ये इसलिए यूज़ होता है बिकॉज इल्यूमिनेशन भी हो जाता है स्किन में, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग गुड विच इज़ नेचुरल इल्यूमिनेटर. अलग से इल्यूमिनेशन या फिर इल्यूमिनेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो स्ट्रोब क्रीम उसके लिए भी होता है एंड एट द सेम टाइम बेस भी बहुत उसका अच्छा हो जाता है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए और एक अमेजिंग सा ड्यूए फिनिश भी आ जाता है स्ट्रोब क्रीम लगाने से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट इज़ ऑलरेडी गिविंग अ गुड ग्लो एंड इल्यूमिनेशन टू माई फेस एंड ऑल्सो टू द मेकअप। जो भी बचा है प्लीज़ अपने नेक एरिया को अप्लाई करना मत भूलिए, बिकॉज नेक एरिया और हैंड एरिया अलग नहीं दिखना चाहिए, विच लुक्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड। अभी मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन और आप अपना शेड ले सकते हैं। मैंने आई थिंक मेरा शेड आइवरी है 512 शायद है शेड नंबर 115 इज़ द शेड नंबर। आप अकॉर्डिंगली शेड चूज़ कर सकते हैं और ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, आपको डेफिनेटली मच डिस्काउंटेड वे में मिल जाएगा। एंड सिंस मैं आई मेकअप भी करूँगी तो डेफिनेटली आई एरिया में भी मैं फाउंडेशन डेफिनेटली अप्लाई कर लूँगी, जो कि वो भी दोनों का काम हो जाएगा। और स्पंज को ऑलरेडी मैंने वेट कर लिया है, सो मैं स्पंज के थ्रू, ये मेरा न्यू स्पंज है हेल्थ इन ग्लो का या प्यूमास का, आई एम नॉट श्योर, बट ये न्यू स्पंज है और मुझे यूज़ करना था। तो स्पंज यूज़ करने से पहले मेक श्योर आप वाटर में उसको अच्छे से डैम कर ले, और स्पंज का डेफिनेटली साइज़ विल चेंज, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा स्पंज यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो एब्जॉर्ब ना करे एंड जस्ट एप्लीकेशन का काम करे। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग दिस स्पंज फॉर द फर्स्ट टाइम, उतना अच्छा मुझे नहीं लगा कंपेयर टू द अदर स्पंज दैट आई यूज़ ब्यूटी पीपल का। तो आई जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड इट प्रॉपरली, जितना हो सके आप इसे ब्लेंड कीजिए। मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन है फुल कवरेज फाउंडेशन, तो मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पे इसे अप्लाई ना करें, ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड ऑल यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। एंड डेफिनेटली नेक एरिया में भी अप्लाई करना है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा फाउंडेशन बचा है और नहीं भी बचा रहा तो भी नेक एरिया में अप्लाई कीजिए एंड ऑल्सो इन द ईयर एरिया। एज यू कैन सी कि जो स्पंज है इसने प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत कंज्यूम किया है। नेक्स्ट आई विल मूव टू द आईब्रो, और यहाँ पे मैं आईब्रो का किट ले रही हूँ फ्रॉम, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम TFF द फैशन फैक्ट्री का, और आईब्रो के अलग ऑल्टरनेटिव्स भी है जैसे आईब्रो पेंसिल फ्रॉम मिनीसो, बट आई थॉट टुडे मैं आईब्रो पाउडर यूज़ करूँगी। एंड यूजुअली आईब्रोज़ के लिए आई विल सजेस्ट टू गो फॉर द ब्राउन शेड रादर देन द ब्लैक शेड, बिकॉज ब्राउन लुक्स नेचुरल एज वेल। और मैंने यहाँ पे ब्रश चेंज किया है, सो मेक श्योर ब्रश जो आप यूज़ करेंगे आईब्रो का वो भी बिल्कुल अच्छा हो। एंड यहाँ पे मेरा आईब्रो हो गया है एंड ऑलरेडी मैंने आईब्रो नहीं किया है, सो आई एम जस्ट वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट। अगर आपके आईब्रोज ऑलरेडी डन है देन बहुत कम टाइम लगता है आईब्रोज करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का फ्लॉलेस लूज पाउडर, ये भी मैं पहली बार यू नो ट्राई कर रही हूँ और अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है फ्लॉलेस लूज पाउडर। एज द नेम सजेस्ट कंप्लीट फ्लॉलेस है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा फाइन है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो सील है मैं वो निकाल रही हूँ एंड जहाँ से मैं सील निकाल रही हूँ वहाँ से जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आता है एंड थ्रू द हेल्प ऑफ द स्पंज आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड अमेजिंग अमेजिंग लूज पाउडर है, दिस इज़ द एंड द स्मेल इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ज़्यादा लूज पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया है, लैक्मे का यूज़ किया है एंड शुगर का यूज़ किया है एंड दिस इज़ आई थिंक फॉर द ब्लू हेवन, बट इट इज़ अमेजिंग। मतलब मैंने पूरे फेस में भी एक्चुअली अप्लाई किया है लूज पाउडर को, बिकॉज वो सेट भी हो जाएगा क्योंकि फिट मी फाउंडेशन फुल कवरेज था तो उसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई वॉज जस्ट सेटिंग द एंटायर फेस। यूजुअली आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो और स्पेसिफिकली लूज पाउडर कंसीलर को यू नो कंप्लीट सील करने के लिए होता है। टचवुड मुझे डार्क सर्कल नहीं है तो मैं कंसीलर
ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, बट येस रिसेंटली आई ऑर्डर्ड कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं मैलियो का शिमर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, बिकॉज लूज पाउडर मेरे हिसाब से मेरे स्किन पे एज अ कॉम्पैक्ट ही काम किया है, बट अगेन टू मेक श्योर कि सब कुछ सेट है, मैंने एक बार इल्यूमिनेटर कॉम्पैक्ट यूज़ किया है फ्रॉम मैलियो। आईब्रोज़ को मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, बिकॉज मेरे आईब्रोज ऑलरेडी डन नहीं है, तो उसको करना भी ज़रूरी है, एंड आई एम जस्ट सेटिंग इट एवरीथिंग। एंड चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो फेस जैसे कि पूरा वाइट हो चुका है, कॉन्टोरिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्टोर ब्रश मैं यूज़ करती हूँ। पैलेट मैं सोच रही थी पहले ये वाला लेने के, खिलारी रोडा, बट आई हैव अ बेटर पैलेट विच इज़ श्रेयॉन का पैलेट, और कॉन्टोरिंग के लिए वो पैलेट बेस्ट है। सो दिस इज़ द पैलेट, ये अमेजिंग पैलेट है। इसमें ब्लश है, कॉन्टोर है, पाउडर है, एंड ऑल्सो आई थिंक हाईलाइटर है। सो इट्स एन अमेजिंग पैलेट जो आई थिंक इन्वेस्ट करना इज़ वेरी गुड, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। तो मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग बहुत लोग बहुत अंदर तक करते हैं, प्लीज़ ज़्यादा अंदर तक मत करिए, और वो साइड से जो आपका चीक का जो हॉलो पार्ट है बोन के जस्ट नीचे, वहाँ पे आप इज द बेस्ट प्लेस। ऑल्सो जॉ लाइन, बिकॉज मेरा फेस थोड़ा फ्लफी है एंड इट्स ऑल्सो बिग इन साइज, तो कॉन्टोरिंग इज मस्ट। और कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर लगाने के बाद ही कॉन्टोर करें, बिकॉज वो लगाने के बाद आपका फेस पूरा कंप्लीट वाइट कैनवस टाइप का हो जाता है। सो कॉन्टोरिंग प्लेज अ वेरी 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 गुड रोल टू शेप अप योर फेस। आई थिंक आई एम चेंजिंग द ब्रश टू ब्लेंड मोर, और कॉन्ट्रोरिंग जितना आप ज़्यादा ब्लेंड करोगे उतना बहुत बेटर है। और ऑल्सो नोज़ का भी मैं कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ, इसके लिए ब्रश अलग यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी ब्रश आपके पास है आप थोड़ा उसको टैप करके यूज़ कर सकते हो। एंड दिस पैलेट इज़ माई फेवरेट, आई थिंक आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 1.5 years, एन अमेजिंग पैलेट है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्लशर फ्रॉम किस ब्यूटी, इट्स एन अमेजिंग ओम्ब्रे ब्लशर, इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ब्लश के बाद आई कॉन्ट गो टू एनी अदर ब्लश, वेदर इट बी के ब्यूटी या फिर कितने भी हायर ब्रांड्स हैं, पता नहीं क्यों मुझे इस ब्लश से बहुत ज़्यादा प्यार है। और इट्स वेरी नेचुरल, काइंड ऑफ ऑरेंजिश, बट वेरी 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 नेचुरल, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता है, एंड आई रियली लव दिस। इसको और अच्छे से मैं ब्लेंड कर देती हूँ। एंड ब्लशर यूज़ करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैसे यूज़ करो, मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी टू यूज़ ब्लशर फॉर द फुलर फेस और थोड़ा चिजल फेस के लिए, डेफिनेटली वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आई शेडो का, उसके लिए मैं दो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, दोनों SFR कलर्स के पैलेट है। एक है इट्स माई प्लेजर ट्रस्ट माई लक, बाई द वे बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है विच इज़ about the best and affordable eyeshadow palettes, mini में छोटे eyeshadow palettes में, which is easy and travel friendly as well। तो ये मैं फटाफट से कर दे रही हूँ।
नाउ दिस आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का ब्रॉन्जर पैलेट, बहुत अमेजिंग हाईलाइटर. यहाँ से मैं ब्रॉन्जिंग नहीं कर रही हूँ, हाईलाइटिंग कर रही हूँ टू द इनर कॉर्नर्स एंड ऑल्सो आईब्रोज के ऊपर टू क्रिएट अ लिटिल शिमरी. यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ मैशो का हाईलाइटर है विच इज़ सिल्वर कलर एंड ये मेरा फेवरेट हाईलाइटर है. उसके बाद आई थिंक मैंने कोई हाईलाइटर परचेज़ किया ही नहीं है बिकॉज इट इज़ सो पिगमेंटेड और बहुत कम क्वांटिटी में ये लगता है. एंड आई लव दिस हाईलाइटर, बहुत सटल है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत उठ के नहीं दिखता है एंड इट्स परफेक्ट एज पर एज आई नीड. नेक्स्ट जो मैं यूज़ करी हुआ है स्विस ब्यूटी का काजल, इट्स अ काइंड ऑफ स्केच लाइनर, अमेजिंग है. और इसके बाद मैंने और कोई स्केच लाइनर आई डोंट थिंक फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स मैंने परचेज किया है बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट स्केच लाइनर एज फार एज आई हैव सीन. और आई लव एन्जॉइंग यू नो दिस पर्टिकुलर लाइनर. नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेबलिन का मस्कारा है. दिस इज़ वॉल्यूमिनस मस्कारा बाय मेबलिन, अमेजिंग मस्कारा है, गिव्स अ वेरी गुड वॉल्यूम विदाउट योर फॉल्सीज. मैं यूजुअली फॉल्सीज प्रेफर नहीं करती हूँ, मोस्टली आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दी मस्कारा. और फॉल्सीज मुझे नहीं यूज़ करना है, दैट इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मस्कारा. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस मस्कारा. नेक्स्ट इज़ लिप्स, एवरीथिंग इज़ डन अपार्ट फ्रॉम लिप्स. और इसके लिए ब्लू हेवन के ये भी दो नए परचेज है फ्रॉम पर्पल, ब्लू हेवन के मैट पाउडर मैट लिप शेड्स. ये जो शेड है वो है चेस्टनट फ्रॉम ब्लू हेवन, अमेजिंग शेड. जब आपका आई मेकअप थोड़ा डार्क रहे तो इट्स बेटर टू यूज़ सटल लिप शेड. और ये मेरा कंप्लीट लुक है. यू कैन कंप्लीट दिस मेकअप लुक विद द हेल्प ऑफ फिक्सिंग मेकअप फिक्सर विच इज़ आई यूजुअली यूज़ ब्लू हेवन और किस ब्यूटी का, एंड दिस इज़ हाउ आई लुक. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल हिट करना मत.